तुमने काट के खा भी लिया? क्या यहाँ से काट के खा लिया? लो पकड़ो। हेलो फ्रेंड्स, आज है 11/11/22 फ्राइडे का दिन, और ठीक 11 साल पहले मतलब 11/11/11 को मेरा शादी हुआ था इस आदमी के साथ। यही है वो। तो आज है हमारा वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब पूरा 11 साल हो गया। मैंने झेला 11 साल। लोग झेलते ही 11 साल हो जाते। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और मोइन मेरे को छोड़ने वाले मार्केट, और फिर वहां से वो जाएंगे काम पे, और फिर मैं बाजार करके जाऊंगी घर। और कुछ करेंगे आज, मतलब कुछ प्लानिंग व्लानिंग है आज? देखते जैसा तुम्हारा रहेगा बता देना। मैं मुझे क्या, मुझे तो घूमना वूमना बहुत पसंद है, बच्चे लोग को मुझे बता। और मैंने ना एक्चुअली कुछ सोचा था लेकिन वो नहीं हो पाया। क्यों? नहीं मतलब कल सोचा था ना ये खरीदूंगी वो खरीदूंगी, तो वो नहीं कर पाई मैं, तो अभी इसलिए मैं जा रही हूँ, देखती हूँ कितना हो पाएगा। नहीं नहीं, खाने का जो बोला था वो तो हो रहा है ना? हाँ हाँ वो हो रहा है, और बाकी सब चलेगा। खाने का खाने का बनाएंगे। और मेरा ब्रेसेस कब निकलेगा? और एक महीना बाकी है, तो मैं और कॉन्फिडेंटली बात कर पाऊंगी अच्छे से। तो आ गया मेरा मार्केट, अभी मैं जाऊंगी मार्केट में, देखती हूँ क्या मिल रहा है, मच्छी वाले है क्या नहीं कि चले गए। ये क्या हो गया मेरे बाल को? एक्चुअली उधर मुंह है तो उधर पानी की वजह से ये हो गया। तो और कुछ बोलना है तुमको? फिर तुम डायरेक्ट रात को आओगे अभी? नहीं मुझे कुछ नहीं बोलना। बोलती बंद हो गया। चलिए ठीक है, अभी मैं आप जाती हूँ मार्केट और फिर मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा बांगडा आहे का ना? कसे बाटा दिले? 200 आणि कोलंबी 200 ला बाटा। आपका नाम? यशवंत जगताप। अच्छा ये जो मार्केट है यहाँ पे मतलब किस दिन बंद रहता है ये मार्केट? दर रोज चालू रहता है। गुरुवार के दिन थोड़ा कमती होगा ना? रहता है सोमवार मंगलवार और शनिवार के दिन कम रहता है, पर बुधवार शुक्रवार रविवार ये भी फुल मार्केट रहता है ना? और सीजन का भी रहता है मच्छी का ये सब का? अभी तो चालू है ना सीजन, अभी तो चालू है, अभी सीजन है ना ये। ठीक है, तो अभी तो सब मच्छी तो दिख रहा है, अभी सब है यहाँ पे। वो जो हलवा मच्छी है वो कितना रेट है? वो 350 रुपए की 550 में जोड़ी है, 500 में मिलेगा वो, 300 में मिलेगा। तो गाइज ये है कामोटे मार्केट और यहाँ पे फिश मार्केट है ये। तो यहाँ पे ना मतलब लोग दूर दूर से आके यहाँ से फिशेस लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्वालिटी ऑफ द मच्छी, यहाँ पे देखो फिश का क्वालिटी कितना अच्छा है। देखो 300 में दे दिया। तो यहाँ पे आप बार्गेन भी कर सकते हो, आपको जैसा है। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे फिश वाले हैं यहाँ पे, यशवंत जी है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे जस्ट हेल्प मी सो वेल। सो गाइज नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम टेकिंग नाउ। बाय बाय।
सो फ्रेंड्स, यही सीजन है और आप देख रहे हो कितने वैरायटी ऑफ फिश। और ये जो फिश है ना, पिंक वाला, इसको बोलते हैं रानी मच्छी, और ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर ये ना मुझे इतना ताज़ा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, बट अदरवाइज ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिश है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारा वैरायटी ऑफ फिश देख के ना मेरा मन बहुत खुश हो गया, और मोस्ट ऑफ द फिश बहुत ही ताज़ा है। आप देख सकते हो, ये ऐसे ना कान उठा के देखना पड़ता है, तो एकदम रेड रेड रहता है ना, तो वो मतलब ताज़ा फिश है। और अगर वो ब्राउन हो जाता है या मरून हो जाता है, तो मतलब वो उतना ताज़ा नहीं रहता। और मैं इतने सालों से, मतलब हम फिश खाते हैं ना, तो हमको पता चल जाता है देख के कि ताज़ा है या नहीं। और सुरमे फिश देखा अपने, ऐसे थे, पर बहुत सारे फिश है, एकदम लंबा सा लाइन लगाया। तो कभी आपको फिश मार्केट को एक्सप्लोर करना है, मुझे बताइए कमेंट्स में, तो मैं एक एक फिश को मार्केट को एक्सप्लोर करूंगी, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरा हो गया है मार्केट करके सब, और वहाँ पे चिकन भी अवेलेबल था, पर मैं वहाँ से इतना लंबा लेके जाओ, तो इससे बेटर मैंने सोचा कि मैं अपने घर के नज़दीक वाले किसी चिकन वाले से मैं ले लूँगी। तो जैसे जैसे मुझे मिलते जाते हैं ना, वैसे मैं बाज़ार करते जाती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ वेजिटेबल शॉप में, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें लेना है फटाफट ले ले रही हूँ। और चलिए अभी घर जाके आप लोग को मिलती हूँ, और आप लोग देखिए कि मैंने क्या क्या लिया है, घर पहुँच के आप लोग को बताती हूँ। और गाइस, यहाँ पे ना मैं अपना हाथ भी बता रही हूँ कि देखो मेरा हैंड्स कितना टैन हो गया है, थोड़ा सा मैं धूप में गई और देखो कितना टैन हो गया है, तो मेरा स्किन बहुत जल्दी टैन हो तो जाता है। फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ, और अभी मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो शुरू करती हूँ। मैंने बहुत, मतलब एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया चीज़ें, तो आपको मैं एक एक करके बताती हूँ। और मेरे दिमाग में है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी कुछ रेडीमेड चीज़ों से, बट मैं बताती हूँ आप। सो फ्रेंड्स, मैंने ये सारी चीज़ें लिए हैं, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो ये है बांगड़ा फिश, प्रॉन्स, और ये है पॉम्पलेट। और ऐसे तो मार्केट में आपने देखा कितने सारे फिश थे, पर ये मैंने लिया है। और मुझे सुरमई और सब कभी लेने का बहुत मन था, बट सुरमई फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत एक्सपेंसिव था, तो मैंने ये सब ले लिया है। और लिया है एक होल चिकन, सो दिस इज़ वेरी, मतलब इतना प्यारा लग रहा है ये। और इन सबको मुझे अभी मैरिनेट करके मैं अभी रखूँगी, और मतलब अब क्लीन करना है, मैरिनेट करना है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो अभी मैं डायरेक्टली आपको शाम को मिलती हूँ। और ये लिया है मैंने कुछ वेजेस, क्योंकि मेरे बच्चे जो है नॉनवेज, मतलब एग मैं उनको अभी दे रही हूँ, बट उन लोग ये सब चीज़ें नहीं खाते, फिश चिकन तो ये सब बिल्कुल नहीं खाते। और ये मैंने कुछ वेजेस लाया है, तो ये सबको मैरिनेट, हाँ मैं आपको मैरिनेशन बताऊंगी कि मैं किस चीज़ से मैरिनेट कर रही हूँ, और मैरिनेशन ही इसका बहुत मेन है। और मैं डायरेक्टली फिर आपको शाम को मिलूंगी। तो गाइस, ये सारी वो चीज़ें हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और उसमें कट्स भी लगा दिए हैं ताकि वो मसाले को मैं अच्छे से भर पाऊँ, अच्छे से मैरिनेट हो। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ काफ्रियल मसाला, और ये एक रेडीमेड मसाला है, ये गोवन मसाला है, ये मैंने गोवा से लाया था। तो ये एक रेडीमेड पेस्ट है एग्जैक्टली, जो हम चिकन और फिश में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा करके ना ये चिकन के लिए और बेटर होता है काफ्रियल मसाला। तो आप अगर गोवा में जाओगे ना, तो आपको ये काफ्रियल जो मसाला है, ये रेडीमेड आपको ऐसे मिलता है। और अभी मैं इसको करने वाली हूँ इस मसाले के पेस्ट से मैरिनेट, तो आप लोग देखिएगा। Thank you.
अब आइए फिश की बारी। तो फिश को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद, क्लीन कट एंड वॉश कर लेने के बाद मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ अगेन कर्मा का कुकिंग पेस्ट विच इज़ नाउ रिचियाडो मसाला। ये जो मसाला है स्पेशली फॉर फिश के लिए आता है, रेडीमेड मसाला है। अगेन ये एक गोवन मसाला, गोवन डिश है ये एक, और ये जो है ये स्पेशली फिश के लिए, जैसे मैंने कहा तो मैकरेल हो गया, पॉम्पलेट हो गया, किंगफिश हो गया, ये सब उसमें प्रॉन्स हो गया, इसमें ये पेस्ट को लगा के अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। और तो अभी वही मैं करने जा रही हूँ, ये रेडीमेड पेस्ट को फिश में अच्छे से अप्लाई करने जा रही हूँ और करूँगी इसको मैरिनेट। तो गाइज देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। क्लोथ नहीं है। सो फ्रेंड्स नाउ इट्स एन इवनिंग टाइम और शाम के वक्त मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा मुझे साइकिलिंग करना है। और बच्चे बहुत महीनों के बाद, ये तो बारिश तो पूरा ऐसे ही गया, उसके बाद क्यान का कुछ हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो वो कितने दिनों के बाद घर से निकला है और साइकिलिंग करने के लिए इतना एक्साइटेड है, आप लोग देख रहे हो। तो ये साइकिल जो है ना, ये एकदम नया साइकिल और ये इस पर जंग भी लग चुका है क्योंकि बारिश में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये पूरा ख़राब मतलब हो गया है। देखो अब इसका प्लास्टिक भी हमने नहीं निकाला है, तो इसको भी मुझे रिपेयर करना है। तो फिलहाल जो है वो मैं बच्चों को थोड़ा सा ठीक ठाक करके उनको दे रही हूँ कि भैया चलाओ। और थोड़ा सा मन उदास हो गया था अचानक, मुझे ऐसे पापा की याद भी आ रही थी और अलग होता ना कभी कभी, आप बहुत रूटीन चलते रहता है पर अचानक से है ना आप बहुत मायूस हो जाते हो कुछ पुरानी बात करके, और क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ और क्या हो रहा है, होता ना कभी कभी हम ऐसे बात करते हैं। तो वही थोड़ा सा बात करके मूड ऑफ हो गया था। मम्मी के साथ बैठी हूँ और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं तो उनको देख के मूड कितना भी खराब हो बस उनको देख के ही। दोस्तों बहुत टाइम हो गया, आप देख रहे हो 8 बजने आ रहा है और अभी तक मैंने खाना बनाना शुरू नहीं किया है। तो अभी जा रही हूँ किचन में और आप लोग भी चलिए मेरे साथ और देखिए कि चिकन और फिश का क्या हाल है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और ये सेकंड मैरिनेशन के बाद ये चिकन कुछ ऐसा लग रहा है, इसमें मैंने और एक मैरिनेशन किया है क्योंकि उससे ना थोड़ा सा ना फीका फीका लग रहा था। तो और ये सारे वेजिटेबल्स जो है वो मैं चिकन के अंदर डालने।
यहाँ पे अभी एक साइड बिठा दिया है चिकन को और दूसरी तरफ जो है ये फिश फ्राई होने वाला है। और ये यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं काम से और वही मैं देख रही हूँ आ गए। और फटाफट बनाना है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है और मुझे ना उतना आइडिया नहीं था, ये चिकन बहुत टाइम लगा रहा था। फिश फ्राई तो जल्दी हो जाता है पर ये बहुत टाइम लगा रहा था चिकन। ऐसे ही होता है, वो शादी में छोड़ता भी वापस पकड़ लेता है वो। तो तुमने काट के खा भी लिया? क्या यहाँ से काट के खा लिया? लो पकड़ो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बिग बॉस शुरू होने वाला है और मेरा खाना भी बन गया है। तो किस किस को बिग बॉस पसंद है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और प्रेजेंटिंग दिस इज द फूड फॉर आवर डिनर। तो ये है मेरा स्पेशल एनिवर्सरी का स्पेशल खाना। तो बहुत महीनों के बाद आप बोल सकते हो, मतलब मैंने कुछ स्पेशल इतने सारे वेराइटीज़ बनाए। सो गाइस, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और विश भी कर सकते हो। अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।